हेलो केतन, नोएडा लोकमंच पब्लिक लाइब्रेरी से आप कैसे जुड़े? हेलो, मेरा नाम केतन है और नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी से मैं ऐसे जुड़ा कि 2020 में आफ्टर लॉकडाउन मैं सोच रहा था कि कहीं पर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने आसपास देखा, प्राइवेट लाइब्रेरीज भी देखी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को लगा कि यहाँ का एटमोसफियर अच्छा है, टेबल चेयर सब सही है, टेबल पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है बैठने के लिए, और डिस्टर्बेंस भी जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी तो होगी, लेकिन डिस्टर्बेंस फिर भी ठीक है, काम चल जाता है। तो नोएडा लोकमंच पब्लिक लाइब्रेरी में आपको बुक्स के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? बुक्स के अलावा हमको टेबल, चेयर, फैन, एसी है, वाटर कूलर भी है, सब कुछ है, बाइक की पार्किंग भी है, फैसिलिटीज सब हैं। तो फिलहाल आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी मैं यहाँ पे जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। करंटली मैं एक एडवोकेट हूँ बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि और कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए मैं जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कोई सजेशन आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे लाइब्रेरी को? सजेशन ये, अगर लाइब्रेरी का टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाए और एसी का, जब तक लाइब्रेरी खुली है सुबह से शाम तक, तब तक एसी चलता है और पानी ठंडा मिलता है बच्चों को। जो नए लोग या नए स्टूडेंट्स लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन, आप लाइब्रेरी, हर किसी को अलग ही अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो किसी को भी अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, वो पहले यहाँ पर आए, देखे उसको कैसा लग रहा है, अगर उसको सूट करता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। कंपेरेबली इस एरिया में आप नोएडा लोकमंच को 1 to 10 में कैसी रेटिंग देना चाहेंगे? 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 द हाईएस्ट। मैं 8 रेटिंग देना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच केतन।